आज हम फिल्मी दुनिया की बातें कर रहे हैं संदीप पांडे जी के साथ। कई अहम बातें चल रही हैं संदीप पांडे जी के साथ। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि फिल्म सिटी में कई लोग काम करते हैं, जैसे कि नियुक्ति होती है जिले को लेकर या तालुके को लेकर। हाल ही में आपने दो जिले मुंबई या मीरा रोड की बात करें, तो बदलाव क्या है, क्या बदलाव है, किस तरह उम्मीदें हैं उनसे? देखिए, हाल ही में हमने मीरा बंदर और उसी के आगे पालघर जिले में वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत में हमने दो अध्यक्षों की नियुक्ति की है। मीरा बंदर से श्री रेहान शेख जी को और वसई विरार से श्री अजय कटोरिया जी को हमने जिला अध्यक्ष बनाया है। इन दोनों के अंदर में 12 से 13 स्टूडियो आते हैं, जिसके अंदर समझिए एक स्टूडियो के अंदर चार चार पांच पांच सीरियल के सेट हैं। वहां पर हमारी लगभग 5,500 से 7,000 वर्करों की यूनियन है, जिनको उनकी देखरेख में हम नया जिम्मेदारी और काम सौंप रहे हैं कि किस तरह से उनको उनका जो हक है वो किस तरह से दिलाया जाएगा। और वहां पर जो है मजदूर हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा कि लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हाउस वाले लोगों को अपने यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, तो उनकी बराबर वहां देखभाल हो रही है कि नहीं, कि खाने पीने की सुविधा हो रही है कि नहीं, कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनकी जांच हो रही है कि नहीं, ये दोनों जिलाध्यक्षों के माध्यम से हमारी भी नजर उन पर रहेगी और ये काम करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं ऑल इंडियन सिनेमा वर्कर्स एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया मीरा भाईंदर का, और मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं उसमें काम कर सकूँ। मुझे मीरा भाईंदर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया है अभी हाल ही में, और मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अराउंड 3-4 स्टूडियो आते हैं जहाँ पे 12 से 15 सेट अलग अलग चलते हैं। तो उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वर्कर्स को लेकर, एक्टर्स को लेकर, या जो भी छोटे मोटे वहाँ पे वर्क करते हैं उनको लेकर, वो सब हम इश्यूज सॉल्व करते हैं। आई रियली थैंक AICWA फॉर मेकिंग मी प्रेसिडेंट ऑफ वसई विरार, एंड आई सी टू इट पर्सनली दैट देयर विल बी द गाइडलाइंस व्हिच हैव बीन मेंशनड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रिगार्डिंग COVID-19 विल बी वेरी मच टेकिंग केयर ऑफ। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।